हाय फ्रेंड, इट्स विकास सुमन और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने जा रहा हूं टॉप 5 गिटार अराउंड 10,000। जैसा कि मैंने अपने अराउंड 5,000 वाले वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा टॉप 5 गिटार अंडर 10,000। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉप 5 गिटार अंडर 10,000। तो इसमें मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन था, बहुत सारी कंपनी अब 10,000 के नीचे का गिटार बनाने लगी है जो कि हमारे समय में संभव नहीं था, क्योंकि हमारे समय में यामाहा और फेंडर ये सब हम लोग 15,000 के ऊपर ही सोचते थे। तो आजकल तो 10,000 के नीचे बहुत सारे गिटार आ गए हैं, यामाहा, फेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप किसी को भी प्रिफर कर सकते हैं। बट मैं यहाँ 5 बेस्ट गिटार बताने जा रहा हूँ अंडर 10,000। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक कैसे मैंने इसे रैंकिंग किया है और क्या क्या इसमें आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, और लास्ट में आप लोगों को ऑफर वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 गिटार के बारे में। नंबर 5 पे रखा है मैंने हर्ट्ज के FZA 400E मॉडल को, और लास्ट ईयर भी मैंने इसे टॉप 10 में रखा था। रीजन है इसका ये कि अगर आपको 10,000 के नीचे कोई गिटार चाहिए जो कि सेमी एकॉस्टिक यानी कि इलेक्ट्रो एकॉस्टिक गिटार हो, तो आपके पास यही ऑप्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि ये ओवेशन स्टाइल का गिटार है और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि मैंने इस गिटार को पर्सनली बहुत बार प्ले किया है और इसका पर्सनल रिव्यू भी मैंने डाला है, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिकली साउंड कैसा है और एकॉस्टिकली साउंड कैसा है, सारा उस वीडियो में मैंने बताया, तो आप उसे जाकर उसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो नंबर 5 गिटार पे मैंने रखा है हर्ट्ज के FZA 400E मॉडल को। अब इस मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एक ओवेशन स्टाइल का गिटार है। ओवेशन स्टाइल बहुत ही थिन क्वालिटी होगा इस गिटार का, यानी कि थिन शेप होगा और पीछे आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलेगा, जैसा कि उस वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूं, उसमें जाएंगे तो सारा स्ट्रक्चर आपको उस गिटार का पता चल जाएगा, और आपको फ्रेटबोर्ड इसमें रोजवुड देखने को मिलेगा और शेप कटवे होगा, कटवे शेप है जिसके कारण आपका हैंड रिच बहुत ही अच्छा होगा गिटार पे। और लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि कलर कौन कौन से अवेलेबल है इसमें। तो कलर आप लोगों को अवेलेबल है नेचुरल एंड ब्लैक, इसमें दो ही कलर अवेलेबल है आप लोगों को, नेचुरल और ब्लैक, और आपको टॉप इसमें स्प्रूस देखने को मिलेगा, क्योंकि 10,000 के नीचे भी लगभग सारे गिटार स्प्रूस टॉप में ही आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर मैं कुछ ना बोलूं तो आप समझ जाएं कि टॉप स्प्रूस होगा उस गिटार का, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा नंबर 5 गिटार। आपको अगर 10,000 के नीचे एक सेमी कॉस्टिक गिटार चाहिए यानी कि इलेक्ट्रिकली प्ले होने वाला गिटार चाहिए, तो गो फॉर हर्ट्ज FZA 400E मॉडल, और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है जिससे आप स्टेज पे काफ़ी आसानी से इस गिटार को प्ले कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 5 गिटार देखने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि नंबर 4 पे मैंने किस गिटार को रखा है। नंबर 4 पे रखा है मैंने कॉर्ट AD810 मॉडल को, जैसा कि ये पिछले साल भी टॉप 5 गिटार में था और इस साल भी है, क्योंकि इसके साउंड के कारण, इसका साउंड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसे प्ले करते हैं और उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा है इस मामले में। तो कॉर्ट AD810 मॉडल हमारा नंबर 4 गिटार है और ये हॉलो बॉडी गिटार है जिसके कारण इसका सस्टेन टाइम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और आपको फ्रेटबोर्ड इसमें रोजबोर्ड देखने को मिलेगा, शेप इसका ड्रेड नॉगट होगा, ड्रेड नॉगट शेप का गिटार है, ठीक है, पूरा का पूरा क्लोज रहेगा, तो आप अगर ड्रेड नॉगट आप पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट गिटार है। और कलर इसमें आपको दो देखने को मिलेगा, नेचुरल एंड सनबर्स, और लास्टली मैं बताना चाहूँगा इस गिटार का प्राइस रेंज लगभग आपको 8,000 से 9,000 के बीच अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये गिटार हमारा था नंबर 4 गिटार, और नंबर 4 गिटार को देखने के बाद हम लोग मूव करेंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 एक ऐसा गिटार है जो बहुत ही कॉमन शुरू से चलता आया है और मैक्सिमम बिगनर्स यहाँ हो, US में हो, यूरोप में हो, सारे इसी गिटार को यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वो कौन सा गिटार है, वो है हमारा Yamaha F310 एक ड्रेड नॉगट शेप का गिटार है, और फ्रेटबोर्ड आपको इसमें रोजबोर्ड देखने को मिलेगा, कलर अवेलेबिलिटी 3 है हमारे पास, सनबर्स्ट, ब्लैक एंड नेचुरल, 3 कलर अवेलेबल हैं आपको, और प्राइस रेंज बहुत सारी जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, मार्केट में कुछ और प्राइस होगा, अमेजोन एंड बजाओ पे कुछ अलग प्राइस होगा, तो ऑफर्स के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो आप लोग जान लें सबसे पहले कि 3 कलर में अवेलेबल है ये, और Yamaha F310 रेड नॉगट शेप का गिटार है जिसके कारण आपको सस्टेन टाइम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है,
और इसका पर्सनल रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ एक वीडियो में। यामा F310 का रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप यामा F310 के आवाज़ को परखना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो आप ज़रूर देखें। यामा F310 का रिव्यू है हमारे चैनल पे। तो नंबर 3 गिटार को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 गिटार को, यानी कि नंबर 2 मैंने किस गिटार को दिया है। तो नंबर 2 मैंने दिया है Ibanez AW120 को। जैसा कि ये बहुत ही अच्छा गिटार है, नंबर 2 पे रहने लायक है। इवन मैं कंफ्यूज था नंबर 2 पे रखूं इसे नंबर 1 पे रखूं, बट नंबर 1 पे तो मैंने जिसे दिया वो मैं खुद भी प्ले करता हूं, तो उसे मैंने नंबर 1 पे रखा। तो Ibanez का ये गिटार आपको बॉडी साइज शेप इसको आपको ड्रेडनॉगर देखने को मिलेगा, फ्रेटबोर्ड रोजवुड है हमारा, और टॉप आपको स्क्रूज देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारे गिटार में टॉप आपको नहीं बताया, तो वो सारे गिटार में टॉप आपका स्प्रूस है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपका टॉप अगर स्प्रूस होगा तो मैं शायद बताऊंगा नहीं। तो और कलर अवेलेबिलिटी आपको इसमें नेचुरल है, इसमें सिर्फ एक ही कलर आपको अवेलेबल है नेचुरल, यानी कि इस गिटार में आपको कलर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कलर पे ना जाएं, आप गिटार पे जाएं, गिटार का साउंड पे जाएं। तो Ibanez AW820 और अराउंड इसका आपको बजट देखने को मिलेगा 10,000, यानी 10,000 के रेंज में आपको ये गिटार अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको Ibanez पसंद है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट गिटार Ibanez होता है और वो कभी भी Ibanez के साथ ही मूव करते हैं। जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन Yamaha को लेकर बहुत अच्छा है, तो मैं Yamaha के साथ मूव करता हूँ। कुछ लोगों का Ibanez को लेकर होता है। लास्ट ईयर मैंने अपने रिव्यू में जिस तरह से गिटार को दिया था, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपने Ibanez को 1 पे क्यों नहीं रखा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1-5 में बहुत क्लोज फाइट होता है, और पर्सनली जो मेरे पास गिटार आते हैं और मैं उनको पर्सनली बजा के देखता हूँ, और तब मुझे जो फ्रैक्शनली अच्छा लगता है मैं उसे 1-2 नंबर के हिसाब से डिवाइड करता हूँ, और 1-5 लगभग एक दूसरे को टक्कर देने वाले ही गिटार होंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि नंबर 2 पर मैंने इसे क्यों रखा, नंबर 1 पे उसे क्यों नहीं रखा। तो वो बहुत ही जेन्यून सी एक बात है, जिसका साउंड आपको सबसे अच्छा लगता है आप वो परचेज करें। तो नंबर 2 गिटार को देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे नंबर 1 गिटार को, यानी रैंक 1 पे मैंने किस गिटार को रखा है। रैंक 1 पे मैंने रखा है Yamaha FS100C को। Yamaha FS100C हमारा बहुत ही अच्छा गिटार है, और मुझे अंडर 10,000 ये गिटार सबसे ज़्यादा पसंद है। रीजन वाई, Yamaha का ब्रांड वैल्यू और Yamaha का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि नंबर 2 गिटार बहुत अच्छा साउंड नहीं करता इसके कंपेरिजन में, बट मुझे पर्सनली इसका जो टेक्सचर है और प्लेइंग टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, और स्ट्रक्चर वाइज भी ये गिटार बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोगों को ये गिटार परचेज करना है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये गिटार परचेज करने का, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो ये जान लें कि Yamaha FS100C बॉडी आपको कटवे से कटवे, बहुत ध्यान से सुने, कटवे शेप का गिटार Yamaha कटवे 10,000 के नीचे पहली बार लेकर आई है। तो ये आपको बहुत अच्छा मौका है इसे परचेज करने का, क्योंकि कटवे शेप Yamaha 10,000 के नीचे पहले नहीं लाती थी, सारा गिटार ड्रेडनॉगट शेप होता था। तो कटवे शेप यानी आपको बहुत दूर तक फ्रेट में मूव करके प्ले करना है, तो आपके लिए बेस्ट गिटार है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा स्प्रूस टॉप का ये गिटार होगा, और आपको फ्रेटबोर्ड रोजबोर्ड देखने को मिलेगा इस गिटार में, और कलर अवेलेबिलिटी 2 है हमारे पास, नेचुरल एंड ब्लैक, और अराउंड 8-9,000 ये गिटार अवेलेबल है आपको अलग अलग जगह पे। 9,500 तक मैक्सिमम इस गिटार का प्राइस मैंने देखा है सारे साइट पे, और आपको लिंक तो मैं दूंगा ही बाद में। तो ये हमारा था नंबर 5-1 सीरीज का गिटार, और नंबर 1 गिटार को मैंने पर्सनली रिव्यू किया है एक वीडियो में, तो उस वीडियो पर आप जा करके कलर को देख सकते हैं कि नेचुरल कैसा है और ब्लैक कैसा है, और आपको साउंड क्वालिटी कैसा है, सस्टेन टाइम कैसा है, मैंने सब उसमें बताया है। तो आप Yamaha FS100C वाले रिव्यू को जाकर आप उसे सारा कुछ उसमें देख सकते हैं कि आपको ये गिटार परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो नंबर 1 गिटार को देखने के बारे अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको प्ले करके देखना है तो आप इसे शॉप से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अगर अमेजोन और बजाओ पे बिलीव करते हैं, चूँकि मैं तो करता हूँ, चूँकि उनका रिटर्न पॉलिसी काफ़ी अच्छा है, आजकल बहुत अच्छा हो गया है, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन लिंक सारे गिटार का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली थर्ड पार्टी तक जा करके वहाँ उसे खरीद सकते हैं, तो वो सारा मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ ऑफ़र हमेशा रहता है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट एंड बजाओ पे, तो आप कुछ भी ऑफ़र में जाके इसे परचेज करेंगे नंबर 1 गिटार को, तो कुछ ना कुछ आपको रिबेट जरूर मिलेगा
हंड्रेड टू 1000, वो डिपेंड करेगा कैसा ऑफर अभी चल रहा है। तो अभी थोड़े दिन पहले हमारा अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिव खत्म हुआ, अगर आप उसमें परचेज करते इस गिटार को तो काफ़ी आपको सस्ता पड़ता, लाइक 1000 आपको रिबेट मिल जाता अगर आप उस समय इसको परचेज करते। तो ऐसा नहीं है, दिवाली में भी ऑफर आएगी और कुछ उसी तरह का ऑफर आएगा, तो आप उस समय से परचेज करें। तो अब मैं आप लोगों से इस वीडियो में यही आगे लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।